नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरा परवाना कौन है, लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन है। चंदू मन ही मन घुटा जाता होगा, सोचता होगा विद्या पास हो गई और मैं फेल हो गया, मगर माँ चंदू से कोई ये तो कह दे जाके कि चंदू पास हो गया और विद्या फेल हो गई। झूम रही खुशियों की नाव आज मन की तरंगों पे, झूम रही रे झूम 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 रही रे। सुर और लय का ताल्लुक दिल से हुआ करता है, दिल के तारों में मोहब्बत की लय पैदा हो गई, तो सितार बजाना खुद ब खुद आ जाएगा। ओ आया मेरे दिल में तू बन के दिल की आरज़ू, तेरा शुक्रिया चकाचुम चकाचुम चकाचुम्बा। ओ आया मेरे दिल में तू बन के दिल की आरज़ू, तेरा शुक्रिया। तुम बेशक मेरे दिल के मालिक हो, लेकिन मेरे जिस्म का रोया रोया हुजूर अब्बा का है। उन्होंने मुझे प्यार से परवरिश किया है, उन्हें मुझ पर जुल्म करने का भी हक। मैं ये नहीं चाहती कि शमा को शादी के लिए मजबूर किया जाए, वरना उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। पिछले एपिसोड में हमने सिंगर एक्ट्रेस सुरैया का शुरुआती सफर तय किया था, इस एपिसोड में भी सुरैया की बातें जारी रहेगी। 1948 से 1952 तक सुरैया हिंदी फिल्मों की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी रही। इसी दौरान रिलीज होने वाली प्यार की जीत, बड़ी बहन, दिल लगी और राज कपूर स्टारर दास्तान जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत के शिखर पर बिठा दिया। उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहने लगे। बड़ी बहन के प्रीमियर में उन्हें आते देखकर दर्शक इतने बेकाबू हो उठे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रीमियर पर जाना ही छोड़ दिया। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। एक बेकस का मजाक ना उड़ाओ राज, तुम मेरी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो। तेरी मोहब्बत सुनहरी धोखा है, तेरी मोहब्बत तो थारी तलवार है। मेरे सवाल का जवाब दे। तुम्हारा सवाल इतना बेहुदा है कि मैं उसका जवाब देना भी गुनाह समझती हूँ। धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के, धड़क धड़क नैन धड़क धड़क नैन धड़के, हाय धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के, धड़क धड़क नैन धड़क धड़क नैन धड़के। मिर्जा जी, मेरी जाने कब की तमन्ना थी कि आपका कलाम हो और आप ही के सामने का। हाय आज तो मैं अल्लाह से और भी कुछ मांग ले। मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, यूं ही शर्माने की आदत, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी।
अब तक सुरैया की लोकप्रियता सातवें आसमान पर पहुंच चुकी थी। इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार भी उनके फैन बन गए थे और उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका तलाश रहे थे। दिलीप कुमार भी उन्हीं में से एक थे। उनके डायरेक्टर फ्रेंड के आसिफ ने जल्द ही उन्हें सुरैया के साथ कास्ट करके एक फिल्म लॉन्च की, जानवर। जल्द ही उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। उसके एक सीन में सुरैया के पैर में सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को चूस कर उसका जहर निकालना होता है। तय वक्त पर उस सीन की शूटिंग शुरू हुई और उसी दिन कंप्लीट भी हो गई। लेकिन उसके दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी जब वही सीन शूट होता रहा तो सुरैया को दाल में काला नजर आने लगा। उन्हें दिलीप कुमार की नियत पर शक होने लगा। इसी बात पर दिलीप कुमार के साथ उनकी तीखी बहस हो गई और फाइनली सुरैया ने न सिर्फ वो फिल्म छोड़ दी बल्कि दिलीप कुमार के साथ कभी काम न करने का भी फैसला कर लिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुरैया एक्टर देवानंद से बेहद अटैच्ड थी। शायद उनमें उन्हें अपने फेवरेट हॉलीवुड एक्टर ग्रेगोरी पेक की झलक नजर आती थी। ये मुझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। 1948 की फिल्म विद्या में दोनों पहली बार साथ आए, जिसके एक गाने की शूटिंग में बोट पलट जाने पर देवानंद ने सुरैया को पानी में डूबने से बचाया था। इस हादसे के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे। इम्तिहान में तो पास हो जाओ। और ज्योतिषी जी? और बताऊं? बताऊं? और तुम्हारा ब्याह एक ऐसे लड़के के साथ होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। दत्त, हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है तो मैं उस लड़के से कह देता हूँ कि विद्या भवन की लड़कियों को प्यार व्यार अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई उम्मीद न रखे। उम्मीद तो रखने दो चंदू, शायद ज्योतिषी महाराज ही बकवास सच्चे हो जाए। तुम नींद बन के जब से आँखों में भूल गए हो, नींद बन के जब से आँखों में भूल गए हो, सपनों में नाचती है, सपनों में नाचती है, हंस हंस के जिंदगानी लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया। अगले तीन चार सालों में जीत, शायर, अफसर, नीली, दो सितारे और सनम जैसी फिल्मों के दौरान दोनों का प्यार काफी गहरा हो गया। रतन बाबू, ये अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है। हमारी शान इसी में है कि हम हिंदुस्तानी रहें। हमने जिस आजादी का सपना देखा है वहाँ सब लोग सुखी और समान रहेंगे। ये नहीं कि कुछ लोग तो कुर्सियों पर बैठे पार्टियां उड़ाते फिरें और बाकी जनता भूखी नंगी जमीन पर पड़ी तड़पा करे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। प्रेम की दुनिया में अंतर कहाँ? जहाँ अंतर है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम की ज्योति से तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। ठीक है सदा देवी, लेकिन जिस घर ने मुझ जैसे गुनाहगार को आशा देकर इंसान बनाया, पाप की आग में जलकर राख होने से बचाया, क्या मैं उसी घर में अपने हाथों से आग लगा दूं? आग तो तुम लगा चुके हो, घर में नहीं, दिल में, और ये आग तुम्हारे बुझाई ही बुझ सकती है। देवानंद ने सुरैया को एक रिंग गिफ्ट की जिसकी खबर सुरैया की नानी को लगी और वो आपे से बाहर हो गई। उस रिंग को छीनकर समुंदर में फेंक दिया। मैं एक अमीर दादी हूँ, मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती, मैं रस्म रिवाज के गुलाम हूँ, मखमल के फर्श की हदें मेरा कैदखाना है, संगमरमर की इन छतों के नीचे मैं दफन हूँ। सुरैया के सामने ही वो लेटर्स भी जला दिए जो देवानंद ने उन्हें लिखे थे। कुछ होने वाला है, एक खतरनाक जलजला आ रहा है जिसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। एक हिंदू से सुरैया का रिश्ता उन्हें बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए सुरैया को देवानंद से दूर चले जाने का फैसला करना पड़ा। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कभी नहीं मुस्कुराऊंगी। भावनाओं की राह में बहकर अपना
भविष्य बर्बाद ना करो साथमा, मुझे भूल जाओ और अपने लिए अपने जैसे एक जीवन साथी तलाश करके एक शानदार जिंदगी गुजारो, यही मेरी आरजू है। समझ लेना कि कोई मुसाफिर थोड़े दिनों के लिए आया था और फिर चला गया। चला गया और जाते जाते जीवन भर के लिए मुझे तड़पा दे गया। सुरैया ने भी तय कर लिया कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगी और अपनी आखिरी सांस तक वो इस पर अड़ी रही। खत्म हो गई कहानी। हाय कितनी लंबी कहानी सोची थी, सुनने वाले जागते रहेंगे, मैं ही कहते कहते सो जाऊंगी। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा, जो 1952 के बाद नीचे गिरता चला गया। उनकी कुछ फिल्में अनाउंस होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी और कुछ बीच में ही बंद पड़ गईं। ऐसी ही एक फिल्म थी पागल खाना, जिसमें वो एक मेंटल पेशेंट की भूमिका निभा रही थी और उस रोल के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। 1954 में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। उसी साल मिर्जा गालिब की बदौलत सुरैया ने अपनी बेजोड़ अदाकारी और लाजवाब गायकी का परिचय दिया। आप कितने बड़े इंसान हैं मिर्जा साहेब, मैं तो सोचती थी दोनों जहान में भी न बख्शी जाऊंगी कभी। वो सब होने पर भी आपने मुझे इस काबिल समझा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, जहां पना मैं इस अतीय के काबिल कहां, हकदार तो वो हैं जिनका कलाम है। मैं तो साया हूं सरकार, बदन वही है मिर्जा गालिब। आप जब भी आए आसमान में ऐसी चाल चली कि आपके पास आते आते दूर हो गई। उस रात भी आप होश में समझ बैठी और क्या कुछ कहती। जब ही पता चला मेरा मकसूद आया था, मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा था, मैं नसीबों चली में हाथ भी न फैलाया। उनकी तारीफ करते हुए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। नुक्ता ची है गमे दिल और दिले नादा तुझे हुआ क्या है जैसी गजलों को अपने सुरों से सजाकर सुरैया ने जैसे सचमुच मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। मैं बुलाता तो उसको मगर के बिनाए न बने, के बिनाए न बने, नुक्ता ची है गमे दिल। तुम्हें मुश्ताक और वो बेजा, तुम्हें मुश्ताक और वो क्या है। गानों की क्लिप्स हमने काफी देख ली, अब देखते हैं सुरैया के कुछ सीन्स। अगर अब भी हम लोग अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, एक दूसरे को बर्बाद करते रहे, एक दूसरे से बदले लेते रहे, तो ये आग कभी कम ना होगी। और जिस तरह आज हमारा गांव जल गया है, इसी तरह इस नफरत की आग में सारी दुनिया जल जाएगी। छोड़ दो इन्हें। बेटी जीत, अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो फिर ये कुछ ना नया तूफान पैदा करेंगे।
अब ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इंसानियत को जिंदा रखेंगे तो दुनिया में बुराई का सर कभी नहीं उठ सकता। हमें प्रेम और शांति से इस संसार को जीतना है। अगर हम इन लोगों को अपने गुस्से की आग में जला देंगे तो ये बेचारे वो दिन कब देखेंगे जब हम अपनी हिम्मत और आपस के मेल से इस दुखी संसार को स्वर्ग बनाएंगे। उस वक्त इनकी भी आंखें खुलेंगी। इनको जिंदा रखने में ही हमारी विजय है। बोलो जी देवी की जय। इंसान जब इस दुनिया में आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने अपनी मेहनत और काम से ही धन दौलत इकट्ठी की, बड़े बड़े गांव और शहर बसाए। अब हम सब मिलकर काम करेंगे और यहीं अपने सपनों की दुनिया बसाएंगे। हमारा रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमारी डगर कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हम हंसते गाते कदम बढ़ाते जाएंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसे मेहमान। दीदा दिलेरी तो देखो मर्दुए की सामने बैठ के मिर्जा की बुराई करे है। धक्का दे देती मैं तो ऊपर से। कोतवाल साहब लाइए मिर्जा की गजल। अब भी जरूरत रह गई मिर्जा की गजल की? क्या मतलब जरूरत क्यों नहीं? जब मिर्जा खुद ही यहाँ बिराजने लगे हैं तो फिर गजल कैसी? मुबारक हो उनका आपके यहाँ आना। मिर्जा का हमारे यहाँ आना? घास तो नहीं खाई है आपने? ए भी अम्मा सुना भी है क्या कहते हैं कुबला कोतवाल साहब? हटिए जी, हम तो उनकी शक्ल तक नहीं पहचानते। तो ये किस्सा क्या है? मैंने खुद मिर्जा को आपके हाथ से निकलते देखा है। भूत होगा मिर्जा का? कैसी बातें करती हो अम्मा, उनका भूत क्यों हो खुदा करे। उन्हें तो ख्वाजा खिज़र की हयात दे अल्लाह। लाइए मिर्जा की गजल। है बस के हर एक उनके इशारे में निशान, और हाय अल्लाह हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और मिर्जा जी, मिर्जा जी, मिर्जा जी, मुझे थाम लो अम्मा जानी। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कुछ कह दिया मिर्जा जी को, और वो खफा होकर चले गए। मुझे ऐसा बदकिस्मत भी कोई होगा, खुदा खुद जिसके दरवाजे पर आया और उसने उसे लौटा दिया, ना उठाया ना बिठाया ना राह में आंखें बिछाई। ऐसे लोग रोज रोज नहीं आते माँ, ये भी कोई चांद सूरज है जो रोज निकले और रोज डूब जाए। कलाई तोड़ डालोगे? बैठो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओगे, कोई हर्ज नहीं। लो ये खाओ, ये भी खाओ, ये सब खा जाओ। भूख नहीं है क्या? भूख की परवाह नहीं करनी चाहिए, सब खा जाओ, मेरे लिए खा जाओ सब। मैं आज बहुत खुश हूं। अंगूर खाओगे? अच्छा तो ये लो, देखो मीठे हैं या खट्टे। ये डियर कुमार कौन है? कुमार, कुमार बड़ा हंसमुख है, बहुत ही सुंदर है। योगिन तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। मेरा तो दिली दोस्त है, बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा नौजवान मैंने कभी नहीं देखा था, योगिन कभी नहीं देखा था। बताओ कुमार मुझे कब मिला था? एक चांदनी रात थी, समंदर का किनारा था, चांद की किरणें समंदर की लहरों से खेल रही थी। दूर बहुत दूर कोई मीठी सुरों में बांसुरी बजा रहा था, और कुमार ने मेरा हाथ पकड़कर ऐसी प्यार भरी बातें की कि मेरा तो दिल डोलने लगा। वो क्यों छुपा लिया? इस महफिल में शर्माना हिमाकत है। आंखें खोल कर देखो, तुम्हारी बहन इन नामहरमों के सामने तुम्हारी करतूत की वजह से नंगे मुंह खड़ी है। ये क्या किया तूने बाके? मैंने तुझे क्षमा के लिए भेजा था। इन पर क्यों बिगड़ते हो? अच्छा हुआ जो क्षमा नहीं आई, अच्छा हुआ जो उसके बजाय मैं आ गई। तुम्हें मालूम तो हो गया कि जो आवारा
बेशर्म, दूसरों की इज्जत लूटते हैं, दूसरों के शर्म हया से खेलते हैं। एक दिन उनके हाथों में अपनी बहन का घूंघट भी आ सकता है, एक दिन वो अपनी माँ की चोटी भी खोल सकते हैं। बस रोशन बस, अब इसलिए सर फोड़ रहे हो कि तुम्हारी ये दोस्त शमा की जगह मुझे उठाना है? अच्छा हुआ, वरना खुदा जाने उस गरीब का क्या हाल होता। अब तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम जैसे भेड़िए अपने ही हाथों अपनी शराफत का गला भी घोट सकते हैं, अपनी बहन के सर से अपने हाथों चादर खींच सकते हैं, अपनी इज्जत को खुद बांध सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोशन, खुदा के लिए और कुछ न कहो। क्यों, तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना, तुम्हारी गैरत गैरत है और दूसरों की गैरत तमाशा, तुम्हारी बहन बहन है और दूसरों की बहन कठपुतली। बस बात हो गया रोशन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आज मैं खामोश हो गई तो दुनिया की सारी मजलूम औरतें मुझे इल्जाम देंगी। मैं दुनिया से पुकार पुकार कर कहूंगी कि ऐसे भाइयों को पहचान लो, यही है वो बेशरम, यही है वो हवस के बंदे, यही है वो गुनाहगार, यही है वो शैतान जिन्होंने खुदा के कानून का मजाक उड़ाया है। रोशन, मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। चलो तुम्हें घर पहुंचा। घर? मेरे घर के दरवाजे आज तुमने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इस जगह पर पहुंचाकर तुमने मुझे किसी शरीफ घर में कदम रखने के काबिल नहीं छोड़ा। रोशन, तुम्हारे इन भाई बंधुओं के सामने बेपर्दा होने के बाद, इस जहन्नुम में कदम रखने के बाद, अपने शौहर की जन्नत में किस मुंह से जाऊं? उनसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब मुझे सिर्फ मौत के दामन में ही पनाह मिल सकती है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। मिड 50s में सुरैया ने कुछ ही फिल्में की, पर वो बॉक्स ऑफिस पर खरी साबित नहीं हुई। उनकी आखिरी दो फिल्में थी 1961 की शमा और 1963 की रुस्तम सुहराब, जिसमें उनका गाया हुआ आखिरी गाना ये कैसी अजब दास्तां हो गई अमर हो गया। रिटायरमेंट के बाद सुरैया लाइमलाइट से दूर चली गई। शी बिकेम लोनली एंड रिक्लूसिव एंड वेरी रेयरली अटेंडेड एनी सोशल फंक्शंस। फाइनली 31 जनवरी 2004 को सुरैया इस जहां से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें उनके फैंस के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूं आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार।